अस्सलाम वालेकुम, तजम्मुल आपका नाम है जी? ले जी, ये भाई तजम्मुल हैं और इनको थोड़ा सा शिकवा है मंडी के व्यापारियों से और ये माल से, तो इनसे पूछते हैं इनका क्या शिकवा है। जी आप क्या शिकवा कर रहे थे अभी? सर ये शिकवा है, बड़ी बड़ी उम्र की बकरियां होती हैं। अच्छा, ये 8-8 दांत की होती हैं, रगड़ के 6-6 दांत बताते हैं। अच्छा, और बड़ी यानी बुढ़ी हुई हुई हैं। सही है। और इनके सुए इतने हो चुके होते हैं, 5-5-6-6 सुए होते हैं, बताते हैं ये दूसरा सुआ है। अच्छा, और दूध ना होने के बराबर, छोटे कद की बकरियां, टेडी टाइप। हाँ, और रेट ऐसे बताते हैं जैसे पता नहीं बीतल बकरी के, बड़ी बीतल बकरी के 1,00,000 रुपया। सही। तो आपने भी कोई शौक रखा हुआ है? मैंने रखा हुआ है ये हैंस का शौक रखा हुआ है। अच्छा, और सोलो वगैरह। अच्छा अच्छा, मैं शौक करता हूँ। सही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा सही। अंडे बेच, कभी सेल भी किए हैं, कभी खुद खाए भी हैं। अच्छा, ज़्यादातर आप खाते हैं सर्दियों में, इंजॉय खुद ही किए। ठीक है। तो आपके आपका जो रिहाइश है वो कहाँ पे है? मेरी रिहाइश गड़ी शो में। गड़ी शो में, गड़ी शो में ही रखा हुआ आपने? जी जी। तो ये बकरियों का, हेंस का और बकरियों का कॉन्सेप्ट, मतलब कोई हेंस का शौक है? अच्छा, देखने की हद तक। अच्छा, ये बकरियों का सिर्फ देखने की हद तक शौक है, तक लेना नहीं है? लेना नहीं है। तो लेना क्यों नहीं है? मतलब ये तो अंबिया की सुन्नत भी है। और माशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मगर कोई जो अच्छी दिल को बाज है। यहाँ पे इस तरह की बकरियाँ आई होती है, उम्रों में इतनी होती है कि बंदा खरीदते हुए भी 100 बार सोचता है, और रेट इतने कि आप ले नहीं सकते। नहीं, ये बात पे मैं आपको किसी हद तक कहूँगा कि आप जायज़ कह रहे हैं कि वाकई मंडी में रेट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और बहुत सारे दोस्त जो शौकीन ज़राअत आते हैं वो रेट सुन के वापस चले जाते हैं। तो मैं अपने चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ कि रेट वो रखा करें जो दूसरों की शौक भी पूरा हो जाए और आपका भी जो है रोज़गार चलता रहे। तो ये जो बकरियाँ आप देख रहे हैं जिनके पास खड़े हुए हैं, इनमें से आपको कौन सी बकरी पसंद आई है? कोई है बकरी जिसको आप कहें कि मुझे पसंद आ गई है? सर इसमें नागरी टफी सी है। अच्छा, मगर ये भी 6 दांत है। अच्छा, जो कि 6 दांत नहीं है, ये 8 दांत से ऊपर ही है। अच्छा, उम्र है, पूरी उम्र भी, यानी कि आप चेक कर लेते हैं जी? तो आपको कैसे पता चला, आप दिखाएं ज़रा, आप ज़रा पकड़ के दिखाएं कौन सी बकरी है। ये बकरी जनाब इनको पसंद है, जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये इनको बकरी पसंद है, ये देखिए पूरी हुई। अच्छा, बताएंगे 6 दांत। अच्छा, तो ये आपको, हम मतलब आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता, तो माशाल्लाह आप इसका मतलब है कि पूरा शौक रखते हैं। माजरत के साथ, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है और मैं मास्क आज भूल गया हूँ। तो बहरहाल बकरी तो बहुत प्यारी है। ठीक है। अच्छा, ये दांतों वाला जो मामला है ना, ये कभी कभी मैं भी धोखा खा जाता हूँ। मैं ईमानदारी से, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन शौक मुझे भी बहुत है। मैंने भी रखी हुई है घर में और मैं भी शौक रखता हूँ। 6-6 लीटर? अच्छा लीटर नहीं, ये 6 लीटर वाली दूध नहीं है, ये वो नस्ल नहीं है, 6 लीटर वाली दूध वाली नहीं है, ये तो बात तय है। ठीक है, ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर इससे ज़्यादा दूध नहीं होता। ठीक है, तो ये बस शौक की हद तक है कि किसी ने शौक रखना हो तो वो अच्छा शौक रखे। बाकी जानवर माशाल्लाह खूबसूरत हैं देखने में और सेहतमंद जानवर हैं, किसी में कोई फॉल्ट नहीं है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो लेने आया है तो वो अपने पसंद की देखेगा। आपने अपना पसंद का इजहार कर दिया, आपका एक अपना नज़रिया है। ठीक है, हर बंदे को आज़ादी राय है कि वो अपना जो है इजहार करे अपने ख्वाहिश का और अपने जज्बात का। तो आपने अच्छा किया, आपने जज्बात का इजहार किया और उम्मीद करता हूँ मेरी खांसी जल्दी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आज मैं बग़ैर मास्क के आ गया हूँ तो खांसी लगी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। अच्छा सर, मेरा एक चैनल बना हुआ है कुकिंग विद तजम्मुल के नाम से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। ज़रूर इस चैनल को यूट्यूब पे कुकिंग विद तजम्मुल, ठीक है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है ले जी, ये इनका भी एक कुकिंग का चैनल है, तो वहाँ पर बकरियाँ पका के खिला दें यार। मटन ज़रूर, मटन पालक गोश्त ज़रूर उसमें वीडियो में आपको मिलेगा। अच्छा, और ये साबुत बकरी भी मिल जाएगी? नहीं नहीं, साबुत बकरी तो नहीं मिलेगी। अच्छा, मगर इसका गोश्त का खाना ज़रूर मिलेगा आपको। चलें चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब। ये दोस्त का आपने शौक देखा और इनकी जो गिला था वो भी देख लिया, और काफ़ी लोगों को ये गिला रहता है लेकिन सामने आके कोई नहीं बोलता, लेकिन इन बहादुर आदमी को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने सामने आके अपने जज्बात का इजहार किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।